अमीर, तुझे पता था कि तू कोई भी चैलेंज नहीं हारेगा। अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ रह गया था तू? बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। नहीं बेटा, बेटा अब ठीक है ना? मैं? तू ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूं। बाप ना हो तो बेटे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, और तुम्हें बाप होते हुए भी ये सब करना पड़ा। आओ बेटा, आओ। कितने सालों से इस मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपा रहा है बेटा। बेटा मैं आ गया, अपना गम मुझे बता दे। तेरे खातिर खफा होकर जो तेरे किस्मत को डांटे, बड़े किस्मत से मिलते हैं वो जो दर्द को बांटे। बड़ा आसान है रास्तों से फूलों को उठाना, बड़ा मुश्किल है मगर चुनके कांटों को हटाना। बाबा आप भी, मतलब आप भी लिखते हैं? मैं भी कभी कभी। मैं जानता हूं हम दोनों में फर्क नहीं है बेटा, इसलिए मैं जानता हूं कि किसी अपने ने तुम्हें दर्द दिया है। नानको कुहू को डिवोर्स दे रहा है ताकि वो मिष्टी को मुझसे दूर कर सके। क्या ये कैसे हो सकता है? उनकी शादी तो अभी अभी। सिर्फ इतना ही नहीं बाबा, वो तो मैंने तुम पे आंख बंद करके भरोसा किया, नहीं करना चाहिए था। वो मुझसे बहुत नाराज है बाबा, ऐसा लगता है कभी बात ही नहीं करेगी। अभी मिष्टी तुमसे बात नहीं करेगी और तुम? मैं यहाँ हार माने खड़ा हूँ। राज चमक के कहते तारे, हारे वो जो हिम्मत हारे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से दिल को चुरा के, मुझको छोड़ के चले हो किस राह पे, जाना ही था क्यों आए यहाँ पे। पहली लड़ाई बहुत दर्द देती है, पर प्यार की पहली लड़ाई बहुत कुछ समझा भी देती है। अगर आपको लगता है कि दर्द हद से ज्यादा है तो ये वास्ता यहीं तोड़ देना अच्छा है। ये लोग ना कुछ भी बोलते रहते हैं दीदी, ये लीजिए। अब झगड़े तो होते रहते हैं ना, मैं तो अपनी परी से एक मिनट भी दूर नहीं रह सकता। अगर परी से प्यार करती हूँ तो उसका ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए उसे झूठ मत कहना, नहीं तो परी उड़ जाएगी। दीदी हो गया? हाँ, दिल भर गया। थैंक यू। मुझे लगा था तुम यहाँ होगी, इसीलिए तुमसे मिलने यहाँ चला है। अब समझ रहा हूँ शायद तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो।
प्यार की पहली चोट है, थोड़ी देर लगेगी भरने में। गुस्से का पहला सूरज है, लेगा थोड़ा वक्त उतरने में। खबर नहीं थी ऐसा होगा, यार मेरा जब रूठेगा। तेरे गुस्से के हर लम्हे में 100 बार मेरा दिल टूटेगा। जब तक तुम्हें सच को नहीं मान लेते, तब तक मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं आधा झूठ बोलती हूँ और ये लोग पूरा समझते हैं। सबको लगता है कि वो वहां कितनी खुश है। मुझे तुमसे बात करनी है मिष्टी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो बस थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल लो, सिर्फ 5 मिनट। हम जो करने जा रहे हैं लोग हम पे उंगलियां दो उठाएंगे। बस यही याद रखना है अदीर, कि ये लड़ाई अपनों से है और अपनों को हराया नहीं जाता। हम नए रिश्ते बनाने के लिए पुरानों को तोड़ेंगे नहीं। ये घर प्यार का मोल नहीं समझता, ये तुम्हें और मिष्टी को कभी नहीं मिलने देंगे। आज मैंने जानबूझ के बरशांति से झूठ बोला, एक माँ से झूठ कहा कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। अबीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी फैमिली से इसलिए झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई। और ये तो पहली बार है, जैसे हमारी किस्मत है शायद सब बार बार होगा। नानू हमेशा कहते हैं, आदमी कितना भी लड़ ले अपनी किस्मत से नहीं जीत सकता, फिर मैं कैसे जीतूंगा? अब मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना बेटा, शौर्य और मिश्री के बड़े पापा बस आते ही होंगे अभी। नहीं रुक जाता, लेकिन एक्चुअली वो एनजीओ ने एक रावण दहन ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। I'm so happy. कुछ ही देर के लिए कमरा मेरा होगा। मुझे लगा तू जाएगी। देखो बेटा, अगर काम है तो जरूर जाओ, बस थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। नहीं बड़ी माँ, वो हाँ बड़ी माँ, मैं टाइम से ड्रॉप कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा। एक्चुअली बात बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए मैं मिलने की जिद कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैंने बात छुपाई, झूठ बोला, नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके अबीर, आई अंडरस्टैंड। तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हाँ लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए ना, हमारी फैमिली हमें साथ नहीं रहने देगी। जो हुआ वो फिर से भी हो सकता है अबीर, लेकिन जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। मैं यही सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि मेरी फैमिली फिर से तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि वो जब भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगी ना, मैं उन्हें सामने खड़ा मिलूंगा। पर क्या, पर क्या ये सही है कि हम पूरी जिंदगी इसी स्ट्रेस में निकाल दें कि कुणाल क्या करने वाला है, क्या माँ क्या कर रही है? वो सब अगर मेरे साथ हो तो ठीक है, मेरी फैमिली है, यू डोंट डिजर्व इट। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तुम कहना क्या चाहते हो? आई लव यू मिष्टी, लेकिन मेरी किस्मत एक तरफ है और हमारा प्यार एक तरफ।
अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया ना, हमारा प्यार हार सकता है। किस्मत हार मान रही है या फिर तुम हार मान रहे हो अभी? नहीं मिष्टी, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं नहीं अबीर, नहीं अबीर, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। मैं हमारे प्यार को हारने नहीं दूंगी अबीर। अबीर तुम किस्मत का बहाना देके मुझे छोड़ रहे हो अबीर। तुम्हें लगता है ये सब मेरे लिए डिफिकल्ट होगा? इसलिए सब कुछ खत्म कर देना बेटर है। तुम मुझे यहाँ पे हमेशा के लिए गुड बाय कहने के लिए आए हो अबीर। तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, नहीं चाहिए तुम्हारा गुड बाय, नहीं चाहिए तुम्हारा ब्रेकअप। बिकॉज यू नो वॉट, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जब मेरे अपने पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए थे ना, तब मैं उस बात का रोना रो सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने खुद को फिर से सपने देखना सिखाया है, मैंने खुद को फिर से ट्रस्ट करना सिखाया है, और तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है अभी। सो नो, इस रिलेशनशिप में तुम अकेले नहीं, मैं भी हूँ। ये फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। अब तो तुम खुद सिर्फ अपने नहीं हो अभी, तुम मेरे भी हो। इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, समझे तुम? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आज तो बुराई के खत्म होने का दिन, आज कुछ बुरा नहीं हो सकता। मेरे लिए सबसे बुरा यही होगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। कभी नहीं हो सकता। I'm sorry, मिष्टी, अगर मेरी वजह से तुम्हें ऐसा लगा, but I didn't mean that. अबीर, मुझे लगा कि हमारे पहले झगड़े की वजह से तुम बुरी आदत हो, बाप सो पुरानी गाड़ी हो, तो मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगा? मैं बस डर रहा था कि चीजें पहले हुई फिर से भी हो सकती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बाबा ठीक कह रहे हैं। किस बारे में? बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अबीर। भैया, रावण आप चलाएंगे ना? हम दोनों चलाएंगे। अब चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है मिष्टी, मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें मानने दूंगा। मैं भी नहीं। तो आज इस रावण के साथ हम हर बुरे ख्याल को जला देंगे। बिल्कुल, चले। मैंने सिर्फ तुमसे वादे नहीं किए, मैंने खुद से भी वादे किए, और तो और तुम्हारे बड़े पापा से भी किए हैं तुम्हारा हाथ मांगते वक्त, और मैं उनके सामने झूठा नहीं बन सकता। था कि हमें बाबा की बात मान लेनी चाहिए। मिष्टी, शादी के बाद हमें अलग घर में रहना चाहिए। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।